क्वेश्चन नंबर 9 निकालें कल वाला। एडजस्टमेंट नंबर 1, एक पेंटिंग है जो इनहेरिट की है उसने अपने अब्बू से और उसने बेच दी है 1250 की। तो 1250 इज कंसिडरेशन, दैट इज ए। द मार्केट वैल्यू ऑफ द पेंटिंग एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस वॉज, जिस दिन उसके अबू फोत हुए उस दिन इसकी मार्केट वैल्यू थी 1550। द पेंटिंग वॉज परचेज बाय हिज अबू बिफोर मरना फॉर 13 लाख। अच्छा, 13 लाख का जो नाम है ना, आज हम जरा रख देते हैं अपने समझने के लिए, कल हमने कोई नाम नहीं रखा था। हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी बहुत पुरानी वाली कॉस्ट। तो जिस वक्त ये लफ्ज़ लॉ में यूज नहीं हुआ, शायद अकाउंटिंग की क्लास में आपने यूज किया हो कभी, हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो व्हाट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी अबू ने मरने से पहले कितने की खरीदी थी। इस बात को भूल जाएंगे जिस दिन अबू मरे थे इसकी बाजार के अंदर कीमत क्या थी, यही कल बात हुई थी आपसे। अब बता दें व्हाट इज कंसिडरेशन 1250 एंड व्हाट इज कॉस्ट, तो ए माइनस बी। चलें जी नोट करें, पेंटिंग फॉल्स अंडर, कर ले सॉल्यूशन नोट, कुछ नहीं होता, बॉल पॉइंट डेप्रिशिएट नहीं कर जाएगी। पेंटिंग फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ, वैसे आपकी बॉल पॉइंट WDB मेथड पर डेप्रिशिएट करती है, किसी दिन बहुत ज्यादा लिख लेते हैं किसी दिन बिल्कुल नहीं लिखते। पेंटिंग फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट, कुछ नहीं होता, आप भी लिख लें। पेंटिंग फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट, देर इज अ लॉस ऑफ ₹50,000, देर इज अ लॉस ऑफ ₹50,000 ऑन द डिस्पोजल ऑफ पेंटिंग। पेंटिंग के बेचने पे लॉस आया 50,000 का, ब्रैकेट में लिखें 1250000 माइनस 13 लाख, 1250000 माइनस 13 लाख। अच्छा, इसके बाद अब आप लॉ की लैंग्वेज लिखें, ये वाली, ये वाली अब आप लाइन लिख दें, सेक्शन 38 में जो पड़ी थी पेज 2 पे। हाउएवर नो लॉस, पेंटिंग में तो कैटेगरी 2 है ना, हाउएवर नो लॉस शैल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द डिस्पोजल ऑफ पेंटिंग, हाउएवर नो लॉस शैल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द डिस्पोजल ऑफ पेंटिंग। पेंटिंग के बेचने पे कोई भी लॉस रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अगला जी पॉइंट 2, शी सोल्ड अ ज्वेलरी ऑफ रुपीस फॉर ₹23 लाख, 23 लाख हो गई कंसिडरेशन, विच वॉज परचेज्ड बाय हर सरताज, उसके सरताज ने ज्वेलरी खरीदी थी 13 लाख की, हिस्टोरिकल कॉस्ट 13 लाख, एंड वॉज गिफ्टेड टू हर ऑन सेम डेट, और खरीदी ही उसके लिए थी तो उसी दिन उसको गिफ्ट कर दी। तो यानी कि वो जो तीन फिगर्स अवेलेबल नहीं है, अब एक ही फिगर अवेलेबल है, शोहर ने खरीदी 13 लाख की और उसी दिन बीवी को दे दी, तो फिर कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू अलग अलग अवेलेबल नहीं है। ठीक है, शोहर जिंदा है, गिफ्ट हो गया, मरा नहीं है भाईजन, फिर तो इनहेरिटेंस में नहीं मिला, तो शोहर ने उसको गिफ्ट कर दी, तो 13 लाख ही इसकी कॉस्ट समझी जाएगी, और अलग से फेयर वैल्यू तो अवेलेबल नहीं है, जिस दिन शोहर ने गिफ्ट की उसी दिन गिफ्ट कर दी है, और 23 लाख, तो 10 लाख का गेन रिकॉर्ड होगा, ऐसा ही है। और ज्वेलरी फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट, देयरफॉर गेन ऑफ ₹1,000,000 विल बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये आप लोगों ने घर में लिख लिया होगा क्योंकि आपका माल है। क्वेश्चन नंबर 8 जी, सवाल थ्योरी का है न्यूमेरिकल का है, सवाल थ्योरी का है न्यूमेरिकल का है, थ्योरी का है। अब इसको जो है वो आप करना शुरू करेंगे हम न्यूमेरिकल के अतबार से। तो नजम के पास एक घर है, नजम परचेज द हाउस, नजम ने एक घर परचेज किया है इन 2001, कितने का, फॉर रुपीज 20 मिलियन, 20 मिलियन का। ऑन रिक्वायरमेंट में तो एडवाइस लिखा हुआ है, ऑन यकम जुलाई 2006, काफी सालों बाद नजम एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, नजम एक एग्रीमेंट में एंटर हुआ विद जमीर, जमीर से कहा तेरा जमीर जाग गया, जमीर ने कहा मेरा जमीर जाग गया, चल मैं तुझे अपना घर बेचता हूँ, जमीर ने कहा ब्रो कोई मसला नहीं बेच अपना घर, कितने का लगाएगा, खरीदा कितने का था नजम ने कई साल पहले, 20 मिलियन का, अब कितने का है मोहतरम, 25 मिलियन का बेचना चाह रहे हैं। एज पर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट के मुताबिक नजम रिसीव 5 मिलियन ऑन द डे द कॉन्ट्रैक्ट वॉज साइंड, यकम जुलाई को नजम के पास आ गए 5 मिलियन, कंसिडरेशन 25, कॉस्ट 20, कंसिडरेशन में से टूटा हुआ हिस्सा 5 का अभी मिल गया एडवांस में, एंड द बकाया अमाउंट और जो बाकी पैसे हैं वॉज टू बी पेड ऑन 30 सितंबर, ये 3 महीने बाद पे किए जाएंगे। हाउएवर ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, लेकिन जमीर के घर में ऐसे मसले आ गए जो यहां डिस्कस नहीं किए जा सकते, और जमीन के घर में, जमीर के घर में पैसों की कमी आ गई,
जमीर फेल हो गया क्यूएम के अंदर, जमीर फेल टू पे द बैलेंस अमाउंट, जमीर बकाया अमाउंट देने में नाकाम हो गया, जमीर फेल टू पे द बैलेंस अमाउंट ऑन द ड्यू डेट थी 30 सितंबर, और नतीजा तन नजम ने कहा यह 5 मिलियन ऊपर का माल है, यह मेरी पॉकेट में आ गया, नजम ने कब्जा कर लिया एडवांस के ऊपर इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। तो आप बता दें ये सेल कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया है या सेल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल होके एडवांस हमारी जेब में आ गया है, एडवांस हमारी जेब में आ गया, तो ये कौन सी इनकम बनेगी? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसके बाद फिर घर के साथ क्या हुआ वो हमारी बला से फिलहाल जो है वो यहां तक देखते हैं। तो नाउ वी विल कैलकुलेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वर्किंग वन, दो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ थ्योरी बट आई एम सॉल्विंग इट एज एन न्यूमेरिकल, सिर्फ आपके समझने के लिए। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ गई, फॉरफिटेड डिपॉजिट कितना आया जी? 25 मिलियन को लेंगे या 25 में से 5 को? सिर्फ 25 में से 5 को लेंगे। बेचना कितने का था? 25 का। 25 का बेच के 20 के साथ डिफरेंस लगा के गेन आना था, लेकिन गेन कौन कोई नहीं आया, बल्कि 25 की बजाय जो 5 मिला था वो 5 आपकी फॉरफिटेड डिपॉजिट के नाम से इनकम में क्या हो जाएगा? एड हो जाएगा। ये 5 मिलियन है, डेट इज 5 मिलियन। इधर देखें जरा सारे ऊपर, आप जरा ऊपर चले, उपाय जन सारे आया करो यार। ये क्या बन गया? रुपीज इन 1000। और ये मजा आया, चले ये क्या बन गया? तो पाइजन नाल ला दो या उत्ते पा दो, चीज तो वही है ना, कैचअप। अच्छा तो अब नहीं डाली बेचारे बर्गर वाले ने, तो आप अलग से ऊपर डाल लें। भाई सारे मजे तो दुनिया में पूरे हो भी नहीं सकते। अच्छा जी अब किधर है, ये रुपीज इन 1000 हो गया, तो ये 5 मिलियन हो गया। अच्छा जी रिपेयर अलाउंस अब माइनस करने फॉरवर्डेड बॉल में से, नहीं करना करने ना, ना करें करें ना करें जल्दी बता दें। अच्छा जी ये क्या हमने बेचना चाहे? हाउस बेचना चाहे। तो अगर हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के चैप्टर में आवें और वहां जाकर हम ढूंढें, ये मैं ना असल में आप लोगों को, आपको पता है कोई डायग्राम नहीं बना के देता, ये मैं होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ वहां से लाके आप लोगों को दिखाता हूँ ये डायग्राम है। तो रिपेयर अलाउंस बिल्डिंग के ऊपर है या ओपन लैंड के ऊपर है? बिल्डिंग है, हाउस बिल्डिंग है, तो फॉरफिटेड डिपॉजिट पे भी रिपेयर अलाउंस माइनस करना है। तो बोंगे को जहां चलाया जाए वहां चल पड़ता है, हद होगी क्यों नहीं माइनस करना, करना है रिपेयर अलाउंस माइनस। तो अगर ओपन लैंड होती जिसे मैं प्लॉट कहता तो फिर शायद रिपेयर अलाउंस माइनस नहीं करना था, तो अभी तो हम रिपेयर अलाउंस माइनस करेगा। करें जी, दो चार लोग मिले हिम्मत करें, आए इधर करें रिपेयर अलाउंस माइनस एट 1/5 जी। जी आप बता दें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी आ गई? चलें जी नोट करने का टाइम दिया जाएगा सबक। भाई जान अब वो नजम को वही थरथली मची हुई है कि ये घर में बेच दूं, ये घर में बेच दूं। तो नजम 15 फरवरी को 2007 को नजम ने फाइनली ये घर बेच दिया टू फरीद फॉर 30 मिलियन, फॉर 30 मिलियन। नाउ इट इज माय कॉस्ट एंड इट इज माय, अब हम ए माइनस बी करके गेन लॉस निकालेंगे, अब हम ए माइनस बी करके इसका गेन लॉस निकालेंगे। चलें जी क्या बेचा? घर बेचा। किसने बेचा? किसको बेचा? कितने का बेचा? कितने का खरीदा था? 20 मिलियन का। तो नजम ने फरीद को 20 मिलियन वाला खरीदा हुआ घर कितने में बेच दिया? 30 मिलियन में। ये जो घर का बेचना है, अच्छा ये कौन सी आपकी इनकम थी? ये वाली इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और ये कौन सी है? सोल्ड द हाउस। सोल्ड द हाउस आपको पता है कि हमने जो है वो पढ़ा था इस चैप्टर के पेज नंबर 2 के ऊपर, वहां पे लस लिखा हुआ था अगेन अराइजिंग ऑन द डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये गेन हमने इस चैप्टर के अंदर डाला था, दैट्स व्हाई इट इज अ सेपरेट ब्लॉक इनकम। सो इट इज नॉट इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम, इट इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक। कंसिडरेशन है और ये कॉस्ट है। वर्किंग टू, ये ना बहुत अच्छा करते हैं आप, अगर कोई थ्योरी का सवाल भी हो तो उसका जरा न्यूमेरिकल बना के एक दफा देख लेते हैं।
कि अगर मैं ऐसे करता तो कैसे होता, घर में आपने किया था, मैं तो ऐसे ही बस रहा अपने समझने के लिए कर रहा हूँ. इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सेपरेट ब्लॉक. डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ए माइनस बी. वेयर इज द कंसिडरेशन? 3000, 3000 या 30000 है? 30000 है, 30 मिलियन है, तो वो 30 मिलियन 30000 बन जाएगा. माइनस 20000, कितना गेन आ गया जी? 10000. चलें जी नोट करें. साथ वाले को समझाना होता है हाइब्रिड क्लास में तो बिल्कुल कान में समझाया करें. इस तरह बात किया है, क्या है तुम्हारा? भाई अच्छा, भाई खामोश रहे ना, बातें तो मेरे से पूछे. ओके, स्पीड अप. नहीं मैं तो, मैं सर आपको ढूंढने के लिए देखा था इधर, मैंने कहा कि सर्दी की वजह से आप चले तो नहीं गए सियाचिन. गर्मियों में मरी, सर्दियों में सिद्धि. चलें जी, जिसको तो 15 साल भी दे देंगे तो ये नोट करता रहेगा. आप लोग चलें आगे. मिस्टर फरीद है, कौन है? नजम है, नजम. मिस्टर नजम, इनकम एंड टैक्स दे रॉन्ग. टैक्स ईयर 2000. सर मेरे की क्लास ऑफ है कल? कल हम मतलब चैप्टर शुरू करेंगे. अच्छा जी, 2007 ही समझ लेना, साल और कौन सा है, मैं कोई ऐसे चक्कर में ना कहीं छुट्टी करना. 2007, तो 30 जून 2007 बनेगा, 30 जून 2007. तो चलें जी, इनकम ऑफ प्रॉपर्टी बताएं जी. 4000 इनकम ऑफ प्रॉपर्टी, 4000. और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कितनी? 4000. अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं और 4000 ये कह रहे हैं कि भाईजन 1000 आप हमारी बरादरी के नहीं हो, आप राजा हो, हम गुजर हैं, खुदा के लिए आप यहां से निकल जाओ वरना मसला हो जाएगा. ठीक है, 10000 नाराज होकर जा रहे हैं. मैं जा रहा हूं, जा यार, अपने कमेंट ना दिया करो. कौन बोल रहा था मुझे? मैंने बताया जो भी आपके कमेंट हो पर्ची पे लिखी हो मुझे दे दिया करें. 10 साल से ये कह रहा हूं, कोई भी नहीं दे रहा. अच्छा, 4000 इज, चुप चुप बात बढ़ा है ना करो. 4000 इज योर टैक्सेबल इनकम. इट इज आंडास, आंडास, आंडास. इट इज नॉट 4000, इट इज 4 मिलियन. आप जाएं टैक्स कैलकुलेट कर दें, भाईजन उठ के नहीं जाना, चैप्टर 4 में जाएं, टैक्स कैलकुलेट कर दें. अच्छा, कल ना टेस्ट रूम के बाहर ना थोड़ी सी शायद कुर्सियां लगवानी पड़े, क्योंकि देखिए ये भी क्लास है, दूसरी क्लास है, दोनों क्लासें एक वक्त के अंदर जो है वो टेस्ट लेने जाएंगी माशाल्लाह. इधर से कुछ 150-200 बच्चा इधर से जा रहा होगा, 150-200 बच्चा उधर से आ रहा होगा, और जो है वो क्लास के अफरा तफरी का आलम मचा होगा. पहले मुझे टेस्ट देने दो, क्योंकि ये सुबह वाली क्लास ने भी एग्री किया कि सबने जाने, आप लोगों ने सबने जाने. अब इतना बंदा टेस्ट रूम में पहुंचे तो टेस्ट रूम की तरह से जान निकल जानी है. तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है. टाइमिंग आप किसी भी टाइम दे सकते हैं, 9 बजे से शाम 4-5 बजे तक जब तुम मर्जी दे सकते हैं. क्लास होगी कल, क्लास में क्लास होगी और आपकी क्लास होगी इंशाल्लाह. तो ये बहुत अच्छा जज्बा है कि जो सबने जज्बा ले लिया ना कि हमने टेस्ट देना है, बहुत अच्छा जज्बा. ये आई रियली अप्रिशिएट यू. ओके जी मोहतरम, ये वो पिछली दफा के ऑनलाइन वाले थे 5-10% टेस्ट देते होते थे, इस दफा ऑनलाइन वाले भी 100% टेस्ट दे रहे हैं, बहुत खुशी की खबर है. ये जूम मीटिंग में उन्होंने मुझे बताना है अगली दफा. हाइब्रिड क्लास में वो हाथ खड़ा करें जिन्होंने कल का टेस्ट नहीं देना, कोई शर्म नहीं आती. अच्छा जी,
अब आप चैप्टर फोर के अंदर जाएं और चैप्टर फोर में जाके क्या ढूंढेंगे, 4 मिलियन। तो 4 मिलियन को आप ढूंढे, सैलरी काम तो टेबल वन, 4 मिलियन, 4,05,000 जो मैं 27% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 3 मिलियन। जी मोहतरम, आप थोड़ा सा साइड पे तशरीफ ले जाए क्योंकि टैक्स आ रहा है। जी मोहतरम, टैक्स बताएं, 4,05,000 जमा 27% ऑफ 1 मिलियन। हाँ, यहां पे रुपीज में अमाउंट मुझे लिखनी पड़ेगी वरना टैक्स निकालना आपको मुश्किल महसूस होगा। यहां अगर मैं रुपीज में 1000 करूंगा तो हो सकता है आपके धुएं निकल जाए, तो इसलिए बेहतर है कि यहां मैं रुपीज में अमाउंट लिख दूं। लेकिन जवाब क्या आ रहा है, 6,80,000 में से भाईजन ये वाले 3 अंडे तो वही है जो यहां जाने हैं, तो इसलिए इनको भी डालने की जरूरत नहीं है। तो अंदर कैलकुलेशन रुपीज में कर लें, बाहर रुपीज इन 1000 में ले आए। जी और कुछ आवाज आ रही है, मुझे क्यों निकाला, हाँ इसको आपने निकाला हुआ है ना, तो इसके ऊपर अब आप टैक्स कैलकुलेट करें, टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक, टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। अच्छा जी, अब ये इमोवेबल प्रॉपर्टी है, ये सेपरेट रेट इस पर लगनी है, टेबल 1-2 वाले नहीं लगने। तो इसमें ना एक सवाल में मसला है कि हमें डेट ऑफ परचेज एग्जैक्ट नहीं दी हुई, जिसकी वजह से हम होल्डिंग पीरियड डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, क्योंकि सवाल था न्यूमेरिकल थ्योरी का, हमने जबरदस्ती उसको न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश की है। इसलिए अगर जबरदस्ती न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश की है तो मैं फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन डेट अज्यूम कर रहा हूं 1 जनवरी 2001। तो अब 31 नंबर 1, 31 नंबर 2, 31 नंबर 3, 31 नंबर 4, 31 नंबर 5, 31 नंबर 6, 6 साल और 1.5 महीना, तो मोर देन 6 ईयर्स एंड लेस देन 7 ईयर्स, इतने अरसे के बाद हमने घर को बेचा है। अब हमें देखना पड़ेगा कि 6 साल से ज्यादा और 7 साल के अंदर अंदर में क्या रेट लगता है। ये मोहतरम अगर आप देखें पेज नंबर 2 पे, तो 3A जो पॉइंट है हमारा, तो वेयर द होल्डिंग पीरियड एक्सीड 6 ईयर्स, जहां होल्डिंग पीरियड 6 साल से ज्यादा है, तो घर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी होता है आपको पता है, तो इस पे टैक्स कितने परसेंट लगेगा, 0%। किसी भाई ने पूछा था कि 0% और डैश में क्या फर्क है, 0% और डैश में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज है। आप भोले बनते हैं या हैं? अच्छा जी, टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक इनकम 0 एज, एक मिनट चुप करें, कौन बोल रहा है, इज ग्रेटर देन, क्योंकि होल्डिंग पीरियड 6 साल से ज्यादा इसलिए टैक्स 0 होगा इसमें, तो पेएबल टू शहबाज शरीफ इज 680। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा किया था कि घर में एक बार ट्राई कर लिया था इसको न्यूमेरिकल करके, रियली अप्रिशिएट। साथ वाले के कंधे पे थपकी दे दें, दूर वाला कंधा, करीब वाला नहीं। अच्छा भाई, थपका दे रहे हैं आप, इधर हलवा पूड़ियाँ नहीं बन रही, नहीं नहीं मुझे नोट करने दें, जल्दी करें फिर। मैंने एंटार्क्टिका से सीए किया था, सियाचिन में क्लास होती थी हमारी QMP। हाँ तो भैया, और भाईजान वापस आ जाएं आप लोग पेज नंबर 6 पे, नोट नहीं किया, ये तो कह दिया था जैसे नोट है, आपने नोट नहीं किया, जल्दी करें। बैठे होते हैं घर में और एकदम कायदे आदम का फरमान याद आता है, काम काम और काम और काम करने लग जाते हैं, हाथ खड़ा करें, जबरदस्त। आई रियली अप्रिशिएट यू पीपल, आई विश आई वुड हैव बीन एट योर प्लेस। ना ना ना, हाइब्रिड क्लास में बातें नहीं करनी, बातें नहीं करनी। अच्छे बच्चे बने सारे, सारे हीरे हैं आपके, हर साथ बैठा हुआ वाला बंदा हीरा है। कल आपने गेट में नाका लगा के खड़े हो जाने, जो टेस्ट दिए बगैर जा रहा होगा उसको आपने टेस्ट रूम में ले जाना है, स्ट्रॉन्ग किस्म का नाका लगाना है। अगर वो ज्यादा इसरार करे तो उसको कोई टॉफी शॉफी खिला के बना लीजिएगा, लेकिन उसको जाने नहीं देना आपने। 5-4 और वेटेड एवरेज, हाँ पौने घंटे घंटे का टेस्ट होगा, 5-4 वेटेड एवरेज, ये आप लोगों ने इन्वेंट्रीज के अंदर पढ़ा होगा, 5-4 वेट। अच्छा एक चीज हमारी रहती रहती रह ही जाएगी, वो जरा कर लें, कल भी रह गई थी, पेज 5 पे है, जरा पूरा ही आ जाए पेज 5 पे। ये जो टेबल है सिक्योरिटीज का, सिक्योरिटीज का टेबल है, ये जो टेबल है ना, इसमें ये 2 ग्रीन वाली चीजें हमारी रहती थी, ये 0.8 तो ऐसी सिलेबस से बाहर की चीज है, उसने गलती से डाल दी हुई है।
फ्यूचर कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट कोई चीज होती है और मर्केंटाइल एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज के अलावा कोई जगह होती है उनका कोई रेट 5% है, ये कोई इतनी ऐसी अजीब सी चीज डल गई उससे आईकेएफ से गलती से किताब में, इसको छोड़ें। अच्छा अब कॉन्सेप्ट हमारा यह है कि जो सिक्योरिटीज हैं वो दो किस्म की हो सकती हैं, जो आपने खरीदी हैं 1 जुलाई 22 के बाद, और एक वो हैं जो आपने एक्वायर की हैं ऑन और बिफोर 30 जून 2022। तो बॉर्डर लाइन होगी 1 जुलाई 22। आपको शायद पता हो कि 1 जुलाई 22 अभी अभी गुजरा आपके पिछले सेशन में, 1 जुलाई 22 आपको बैठे बैठे पता नहीं चला था अगले टैक्स ईयर में चले गए क्योंकि आपने टैक्स नहीं पढ़ा था, तो 30 जून को आप सोए थे रात को, अगले दिन अगले टैक्स ईयर में आपकी आंख खुली थी जाके 1 जुलाई 22 को। तो ये अभी चल रहा है हमारा कोई अक्टूबर आजकल, और ये नवंबर 1 आने वाला है, तो यही सोच में सोच रहे रिजल्ट ही आना है क्या हो गया, जो किया वो पता चल जाएगा इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। अच्छा तो ये अक्टूबर में हम खड़े हैं, तो 1 जुलाई अभी अभी गुजरा है, तो तकरीबन 3-4 महीने पहले ना लॉ बदल गया है पाकिस्तान में और रेट सिक्योरिटीज के ये वाले हो गए हैं। हालांकि जिस दिन लोग रात को सोए थे 30 जून 22 को, उस दिन सिक्योरिटीज के रेट ये वाले थे, सुबह उठा तो शहबाज शरीफ ने ये बम फाड़ दिए हुए थे कि भाई जनाब आपके रेट ये हैं सिक्योरिटीज के। अच्छा अब सवाल ये राइज होगा कि हम अपने समझने के लिए इसको कह देते हैं पुराने शेयर्स, कौन से पुराने, पुराने खरीदे यानी पुराने खरीद के रखे हुए हैं, और इसको अपने समझने के लिए कह देते हैं नए खरीदे। तो वो शेयर जो 1 जुलाई 22 से उसके बाद खरीदे हैं उसे हम क्या करेंगे नए खरीदे, और वो शेयर मेरे देखने के बाद बावजूद भी तुमने हाथ नहीं रखा था ऊपर, और वो शेयर जो 1 जुलाई 22 से पहले के खरीद के रखे हुए हैं उनको क्या कहेंगे, खरीदने की डेट के ऊपर डिपेंड करेगा, खरीदने की डेट पर डिपेंड करेगा। अच्छा अब अगर आपने शेयर नए खरीद के रखे हैं तो उन पे नए रेट लगेंगे, और अगर आपने शेयर पुराने खरीद के रखे हुए हैं तो उन पे पुराने रेट लगेंगे, और पुराने रेट में 6 साल से ज्यादा वाले पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, 12.5% रेट है इरिस्पेक्टिव ऑफ द होल्डिंग पीरियड, होल्डिंग पीरियड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये डब्बा भी बता रहा है कि होल्डिंग पीरियड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबके लिए रेट एक ही है, कितने परसेंट 12.5, इधर देख रहे हैं ना सबके लिए रेट कितने परसेंट है 12.5%। अब हम अपना सवाल देखा करेंगे आज के बाद, और सवाल में खरीदने की डेट देखा करेंगे ताकि पता चले नए खरीदे या पुराने खरीदे। अब मैं अगर अपने सवाल के अंदर आऊं तो हमारे सवाल में सिक्योरिटीज जो हैं वो बिल्कुल नीचे जो है वो ये दी हुई थी, ये दोनों, इसके साथ हमने 3 बातें लिखी थी, प्राइवेट कंपनी 37 NTR, लेकिन जो सिक्योरिटीज थी उसके साथ हमने लिखा था पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं 37A और सेपरेट ब्लॉक। लेकिन एक और चीज भी हम देखा करेंगे, दैट इज डेट ऑफ, इन दोनों डेट्स को मुझे बताएं कि आर कंपनी के शेयर्स 1 जुलाई 22 के बाद खरीदे हैं या पहले के खरीदे हुए हैं, तो ये नए खरीदे हुए हैं, और 20 मई 24 भी नए खरीदे हुए हैं, तो ये दोनों शेयर्स कौन से वाले हैं नए खरीदे, तो रेट कौन से वाले नए रेट। ये भी जरा पेपर में ना हम छोटा सा करके लिख लिया करेंगे, पेपर पे क्वेश्चन पेपर पे कुछ लिख रहे हैं वो मना तो नहीं करता, उधर करते हैं मना, हल्का फुल्का चल जाता है, हल्का फुल्का लिख लेते हैं, कितने लोग लिख लेते हैं, हाँ बस ठीक है, कुछ ज्यादा मसला तो इस बार लिख के देख लीजिएगा। अच्छा तो नए खरीदे तो नए रेट, ये भी आज के बाद हमने देखा करना है, इसको इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में किसी सवाल में डालेंगे जहां मैं आपको नए खरीदे हुए भी दे दूंगा और पुराने खरीदे हुए दे दूंगा, ताकि ये कॉन्सेप्ट भी आपका जरा न्यूमेरिकल में टेस्ट हो जाए। फिलहाल हमने जानबूझ के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए सिर्फ डेट ऑफ परचेज रखी थी 1 जुलाई 22 के बाद वाली, तो सादा सी बात होगी, अगर 1 जुलाई 22 के बाद खरीदे हैं तो नए वाले रेट लगेंगे, अगर 1 जुलाई 22 से पहले के खरीद के रखे हुए हैं तो 12.5% रेट है पुराना रेट, ये दोनों रेट पेपर में गिवन होंगे। लिख लिया आप लोगों ने नए खरीदे नए रेट, और ऊपर आपने लिखना था नए खरीदे पुराने खरीदे। ओके चलें जी पेज नंबर 6 पे आ जाए। अच्छा अच्छा मोहतरम, आपका टेस्ट जिस दिन हुआ करेगा उस दिन इस वेबसाइट के ऊपर अपलोड भी हो जाया करेगा, देना तो आपने कॉलेज में फिजिकली है, इस वेबसाइट पे अपलोड भी हो जाएगा, और साथ जो है वो इसका सोल्यूशन भी 1-2 दिन बाद इसी वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो जाया करेगा, ताकि आपको क्वेश्चन पेपर और सोल्यूशन ढूंढने के लिए अपने दोस्तों के पास या फोटोकॉपी शॉप पे ना जाना पड़े, तो टेस्ट का क्वेश्चन पेपर और सोल्यूशन आप यहां से ले सकते हैं, लेकिन आज नहीं अपलोड होगा क्योंकि टेस्ट तो कल है ना, तो पेपर लीक नहीं करना, ऑडियो लीक होगी पेपर लीक नहीं होगा, तो पेपर इंशाल्लाह कल होने के बाद लीक करेंगे, वो क्या लीक होना हुआ जो बाद में हुआ, तो पेपर बहरहाल चलें जी। ऑनलाइन वालों को ये नोट करने की जरूरत नहीं है, करना है तो कर लें, उनके पोर्टल पे तो वैसे ही सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। बस ठीक है, जितना पासवर्ड लिख लिया आप उसी पे गुजारा चलाइएगा, हो सकता है लग जाए। चलें फाइफो और वेटेड एवरेज, कौन सा स्टैंडर्ड में पढ़ा था IS2, चले इतना तो पता है माशाल्लाह, IS2 के अंदर आपने पढ़ा था फाइफो या वेटेड एवरेज।
ऐसा होता होगा कि शेयर खरीद के सेम डे को बेचते होंगे या कुछ दिनों बाद बेचते होंगे? कुछ दिनों बाद बेचते होंगे। सेम डे को शेयर्स बेचना बड़ा अनकॉमन है, और मार्केट जहां बहुत ही ज्यादा तेज हुई हो, शार्प हुई हो, दो दो तीन तीन घंटे बाद शेयर्स की प्राइस बदल रही हो, वहां तो शायद ऐसा होता हो कि शेयर सेम डे को खरीद के सेम डे को बेचते हो। लेकिन नॉर्मली ये होता है शेयर आप खरीद लेते हैं, दो तीन चार छह महीने साल दस साल पंद्रह साल बाद आप शेयर बेचते हैं। अगर शेयर आपने सेल किया ऑन सेम डे, जिस दिन खरीदे उसी दिन बेच दिए, तो मेथड लगेगा वेटेड एवरेज या एवरेज, और गेन ऑन सिक्योरिटी शैल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ फाइफो इफ, बोले इफ शेयर्स आर नॉट सोल्ड ऑन सेम डे, अगर सेम डे को नहीं बेचे। अगर सेम डे को बेच दिए तो वेटेड एवरेज, और अगर नॉट सोल्ड ऑन सेम डे तो कौन सा मेथड? फाइफो। अब ऑब्वियसली इसका कोई एक न्यूमेरिकल होना चाहिए जिससे बात समझ आए कि यहां कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन इसका न्यूमेरिकल हमें जरूरी नहीं है अभी फिलहाल। हम चैप्टर एक 18 है हमारा, उसका वेट करेंगे, उसमें ये न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। तो फिलहाल इसको थ्योरी के हद तक समझें, इसको मैं न्यूमेरिकली टेस्ट में भी अभी नहीं डालूंगा जब तक इसका न्यूमेरिकल आपको कराना दूं। तो अगर शेयर उसी दिन खरीद के उसी दिन बेच दिए तो कौन सा मेथड? वेटेड एवरेज। और अगर शेयर उस दिन खरीद के बाद में कभी बेचे तो फाइफो मेथड। फाइफो क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसलिए कहते हैं कि सुबह सुबह दुकान पे जाके समोसे ना खाया करें, वो रात वाले चल रहे होते हैं। फर्स्ट इन जो रात को इन हुए थे, सुबह सुबह फर्स्ट आउट होते हैं। बेकरी पे भी इसी तरह होता है, सुबह सुबह 6 बजे पहुंचे होते हैं, वो कल वाली चीजें पड़ी होती हैं। फर्स्ट इन कल इन हुई थी, फर्स्ट आउट सुबह सुबह आउट हो जाती है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेल को धोएंगे। सेल कैसे धुलती है? सेल कैसे धुलती है बताएं जल्दी, सेल कैसे धुलती है? आप जो है वो मिसाल के तौर पर एक मोटरसाइकिल बेच के आए, और दो दिन बाद वही मोटरसाइकिल आपके घर में खड़ा हुआ था। अम्मी ने पूछा, बेटा ये तो मोटरसाइकिल आपने बेच दिया था। अम्मी, मैंने दोबारा खरीद लिया। और छोटे भाई ने कहा, इट मीन्स सेल इज वॉश्ड। सोचिए, छोटे भाई को समझ आ गया, हमें क्यों नहीं आ रही? सोचिए, सेल इज, सेल वॉश हो गई ना, सेल फारा कर दिया आपने, दोबारा क्या कर ली? रीपरचेज। तो जिस चीज को आप बेचें और बेच के क्या करें? दोबारा खरीद लें, तो इसको क्या कहते हैं? सेल धुल गई, यानी सेल सेल ही नहीं रही बल्कि दोबारा क्या हो गई? परचेज हो गई। इसको जरा देखते हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सिक्योरिटीज, कंपनी ए के शेयर्स आपने बेचे हैं, ये क्या इशू है? कंपनी ए के शेयर्स आपने बेचे हैं, आपको बेचने के ऊपर जो है वो 20 लाख का गेन आया। अब आप उदास उदास बैठे हुए हैं कि भाई जान मुझे 20 लाख का गेन आ गया है, इस गेन के ऊपर मुझे टैक्स देना है। माना कि गेन है, खुशी होती है, लेकिन उस गेन पे आपने टैक्स भी तो देना है। तो इस बात का आपको इस वक्त गम है कि 20 लाख के ऊपर मैं टैक्स दूं, इससे बेहतर है मैं चला ही जाऊं। तो अब आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, इस टैक्स देने से कैसे बचूं, टैक्स से बचने का तरीका। तो आपने अपने पोर्टफोलियो में नजर मारी। पोर्टफोलियो होता है वो ब्रीफकेस जिसमें आपने बहुत सारे शेयर खरीद के रखे होते हैं, कंपनी बी के, सी के, डी के, ई के, एफ के, जी के, एच के, आई के, जे के, ये सारे शेयर्स आपने खरीद के रखे होते हैं, LMNOP, सारे शेयर्स आपने खरीद के रखे होते हैं। अब उस पूरी बास्केट में आप एक नजर डालते हैं और तायराना निगाह डाल के वहां पर आप ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या ढूंढने की कोशिश करते हैं? वहां पर आप ढूंढने की कोशिश करते हैं। जी, 952 पे मैसेज आया कि अभी भी उस क्लास में शोर हो रहा था, तो भैया फिर मुझे कुछ शोर करना पड़ेगा, मैं क्या करूँगा? जब खामोश हो जाए यही कहा जा सकता है आप लोगों को, वरना फिर अबू बकर आप आइडेंटिफाई मुझे करके बताना कौन आपस में बातें कर रहे हैं। अच्छा, सीरियस क्यों हो जाते हैं आप लोग, वापस आ जाएं। अच्छा, अब आपने सीरियस ढूंढते रहे, अच्छे बच्चे आप नहीं बोलेंगे इंशाल्लाह, आज कह दिया सेशन के एंड तक 31 जनवरी तक इंशाल्लाह नहीं बोलेंगे, मुझे इन पे अच्छा गुमान है। अच्छा, अब कंपनी बी के शेयर्स आपने ढूंढे ऐसे कि अगर मैं ये बेच दूं ना तो इनके बेचने पे मुझे लॉस आएगा, क्योंकि कल आपको पढ़ाया था कि सिक्योरिटीज के गेन में से सिक्योरिटीज का लॉस माइनस हो सकता है। अब आपने क्या किया, आपने किसी कंपनी के शेयर्स जो है, अबू बकर आपने बस अब नोट कर लेना है, मुझे रो बतानी है जिस रो में से आवाज आ रही है, क्लास के एंड पे मैं फिर बात करता हूं उनसे जो बोल रहे हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने सिक्योरिटीज के ऊपर ऐसी सिक्योरिटीज ढूंढी है जिन पे क्या आने, लॉस आने। अब वो आपने कंपनी बी के शेयर्स ढूंढे जिनके ऊपर आपको मिसाल के तौर पे बेचने के ऊपर जो है वो लॉस आ रहा है। आपने कहा जी मुझे ₹13 का जो है वो लॉस आ रहा है, 13 का लॉस आ रहा है, 13 लाख का लॉस आ रहा है। गेन भी उड़ गया बेचारा लॉस को देख के। अच्छा, ये आपको लॉस आ गया। अब आपने किया क्या जी,
7 लाख रुपए की आपकी इनकम आई, जिस पे आपने हुकूमत को क्या जमा करवा दिया, टैक्स जमा करवा दिया। और इसमें कोई देखने में गलत चीज मुझे लग नहीं रही, क्योंकि बस ठीक है आपको गेन आ रहा था, उस गेन पे टैक्स देने से बचना चाहते थे, तो आपने कंपनी बी के शेयर्स बेच लिए, लॉस आ गया, इसमें क्या हर्ज है, कोई मसला नहीं। एक चीज अब लॉ मेकर ने मना कर दी है कि आप कंपनी बी के शेयर को महीने तक दोबारा नहीं खरीद सकते। आपको ये सेल जो कंपनी बी के शेयर की आपने की है, इसे वॉश करने की इजाजत नहीं है। आप कंपनी बी के शेयर्स को महीने के अंदर अंदर खरीद नहीं सकते दोबारा, क्योंकि बेच दिए आपने शेयर्स। तो इस कंपनी के डिस्पोजल पे क्या आया था, गेन, और नीचे वाली कंपनी के डिस्पोजल पे क्या आया था, लॉस आया था। कंपनी बी के शेयर्स आपने बेचे थे 12 जून को। अब हम दो सिनेरियोस बनाते हैं, महीने के अंदर अंदर आप दोबारा खरीद नहीं सकते। अज्यूमिंग दैट वी बॉट दी शेयर्स, वी बॉट दी शेयर्स अगेन ऑफ कंपनी बी जिन पे लॉस आया, ऑन एज्यूम करें हमने कंपनी बी के शेयर दोबारा खरीद लिए 5 जुलाई को, ये हो गई ऑप्शन नंबर 1 महीने के अंदर अंदर, या हमने खरीदा इनको 15 जुलाई को महीने के बाद, क्योंकि आपको पता है 12 जून है उधर, तो 12 जून के बाद महीने के अंदर अंदर 5 जुलाई आ रहे हैं और महीने के बाद 15 जुलाई आ रहे हैं। अब मैं सोल्यूशन इसका नोट करने लगा। इस सिनेरियो में 13 का लॉस आपको डिसअलाउ हो जाएगा, क्योंकि आपको हुकूमत ने मना किया था कि जो चीज आपने बेच के लॉस कमाया है उसे महीने के अंदर अंदर दोबारा नहीं खरीदना। और इस केस में आपको नो पनिशमेंट, कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अब जरा समझिएगा बात को, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स को बेच दिया 12 जून को, तो आप उन शेयर्स को महीने के अंदर अंदर दोबारा खरीद, अगर आपने महीने के अंदर अंदर दोबारा खरीद लिया जैसे कि इस बंदे ने खरीदा, तो फिर ऐसी सूरत में हुकूमत कहेगी ये जो कैलकुलेशन आपने मुझे पिछले साल जमा करवाई है, 12 जून तो पिछला साल है ना, ये जो कैलकुलेशन आपने मुझे पिछले साल जमा कराई है ये रिवाइज करा के जमा कराओ, और आपके 13 मिलियन के लॉस को हम नॉट अलाउड करने लगे हैं। अब जब 13 का लॉस नॉट अलाउड होगा, तो ये कैलकुलेशन जब रिवाइज होकर जमा होगी तो टोटल में 20 आ जाएगा। 7 पे पहले टैक्स दे चुके हैं, 13 पे और टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यही शेयर एक महीने के बाद खरीद लें, तो फिर इसमें आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ये कैलकुलेशन आपने बिल्कुल सही की थी, नॉट इट इज कॉल्ड एज वॉश सेल्स। फाइनली आज एक भाई ने पर्ची पकड़ाई दी मुझे, ये पर्ची पढ़ने वाली नहीं है। ये सारे अच्छे बच्चे हैं, आज के बाद नहीं बोलेंगे और परेशान ना हो, ठीक कान में बातें करेंगे। पर्ची पे भाई ने लिख के दिया जी, काम काम और काम वाले फरमान की जगह हमें उल्टा फरमान आता है, आराम आराम और बस आराम। आराम को काम में तब्दील करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इस पे जरा रोशनी फरमाएं। भाई आगे वैसी सर्दियां आ रही हैं, तो आप लोगों ने रजाइयों में घुस के पढ़ना है और उसके बाद फिर आपने सोते ही रहना है, तो इसलिए कुर्सी के ऊपर बैठ के जो है वो आपने पढ़ना है, और सर्दियों में गर्म पानी अपने पास रखना है, और जैसे ही जो है वो थोड़ा सा आपको नींद आने लगे तो यहाँ गर्दन पे पीछे आपने जो है ना मल लेना है उसको, तो आपकी नींद इंशाल्लाह उड़ जाएगी। चलें जी, बीमार तो नहीं होना ठंडे पानी से। वॉश सेल्स, अच्छा ये कॉन्सेप्ट दोबारा सुन लें, वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट। अगर आपको किसी कंपनी के शेयर बेचने पर लॉस आए, तो उस कंपनी के शेयर आप दोबारा नहीं खरीद सकते एक महीने के अंदर अंदर। अगर आपने खरीद लिए तो वो जो लॉस आपको माइनस करने दिया गया था वो डिसअलाउ हो जाएगा, आपकी इनकम दोबारा 20 पे आके खड़ी हो जाएगी। 7 पे शायद आप टैक्स दे चुके हैं और 13 पे अब आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर महीने के बाद खरीदें तो नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं।
अच्छा इसमें सजा क्या है? सजा उसने ऊपर लिखी है, कैपिटल लॉस शेल नॉट बी अलाउड, कैपिटल लॉस माइनस करने की इजाजत नहीं है। फिर नीचे सिनेरियो पढ़ लें आप। इफ एन इन्वेस्टर सस्टेन्स अ लॉस ऑन अ डिस्पोजल ऑफ अ सिक्योरिटी, अगर आपको सिक्योरिटी के बेचने पे क्या आ जाए, लॉस आ जाए, एंड इन वन मंथ पीरियड, और कितने ऐसे के अंदर अंदर, एक महीने के अंदर अंदर, एंड इन वन मंथ पीरियड ही और हिज बीवी बच्चे, वो खरीद ले या नजमा के नाम के खरीद ले या छोटे बबलू के नाम के खरीद ले, ही और हिज बीवी परचेज द सेम शेयर, वो या उसकी कौन से शेयर खरीद ले, कितने अरसे के अंदर। आगे छोड़े क्या लिखा हुआ है, सजा सुनिए आप। द कैपिटल लॉस विल नॉट बी एडमिसिबल, कैपिटल लॉस माइनस करने की इजाजत नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है इसने, दस मेंटेनिंग हिज पोर्टफोलियो, अगर आप महीने के अंदर अंदर आके दोबारा नजर मारेंगे ब्रीफ केस पे, तो आपको पोर्टफोलियो होते हैं ब्रीफ केस, उस ब्रीफ केस में वही वाले शेयर दोबारा पड़े नजर आएंगे। जैसे कोई बंदा आपके घर आया था तो मोटरसाइकिल बेचने से पहले भी आपके घर मोटरसाइकिल खड़ा हुआ था, और जब आप मोटरसाइकिल बेच के दोबारा खरीद के आए फिर दोबारा आपके घर वो मोटरसाइकिल था, दस मेंटेनिंग द सवारियां, सवारियां तो आपके घर फिर भी वही रही। तो इसका मतलब है 12 जून को शायद आपकी बास्केट से शेयर निकल गए थे, लेकिन 12 जून से पहले आपकी बास्केट में थे, अब किसी ने 6 जुलाई को आके नजर मारी, 6 जुलाई को, तो वो शेयर आपकी बास्केट में उसी तरह पड़े हुए थे, दस मेंटेनिंग द पोर्टफोलियो। ये तो बस इंग्लिश में ऐसी फिक्र याद करना है, दुम सी है, दुम को अलग से याद कर लीजिएगा, दस मेंटेनिंग द पोर्टफोलियो। तो आपका पोर्टफोलियो क्या रहा, सेम रहा। ओके अब थोड़ा सा जरा साइड पे हूं, बाटा कंपनी, बी फॉर बाटा, एज्यूमिंग दैट वी बॉट द शेयर्स अगेन, एज्यूमिंग दैट वी बॉट द शेयर्स अगेन ऑन 5 जुलाई, कितने महीने के अंदर, एक महीने के अंदर, एज्यूमिंग दैट वी बॉट द शेयर्स अगेन ऑन 5 जुलाई, सब 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 वी बॉट द शेयर्स अगेन ऑन 5 जुलाई ऑफ ऑप्शन नंबर 1, एज्यूम का मतलब होता है दो इंडिपेंडेंट सिनेरियोज अभी चल रहे हैं, एंड ऑप्शन नंबर 2 सर्विस शूज, बाटा भी शूज है, सर्विस शूज के शेयर खरीद लिए, एंड होंडा कार्स, एंड नहीं और होंडा कार्स, आपने 5 जुलाई को यानी एक महीने के अंदर अंदर या तो सर्विस के शेयर्स खरीद लिए या फिर आपने किसके शेयर खरीद लिए, बाटा के, होंडा के शेयर खरीद लिए। अब ऐसी सूरत में जवाब क्या होगा, 13 डिसअलाउ हो जाएगा, 13 डिसअलाउ हो जाएगा, और ऐसी सूरत में नो पनिशमेंट, ऐसी सूरत में नो पनिशमेंट, क्योंकि अब मैं आपको वॉश सेल नहीं पढ़ाने लगा, अब मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट पढ़ाने लगा हूं, दैट इज टैक्स स्वैप सेल, नहीं नहीं क्रॉस ट्रेड नहीं, टैक्स स्वैप सेल। पहले ये नोट कर लें, कुछ लोगों को तो शायद समझ आ गई हो बात की, बाकियों को मैं समझाता हूँ, कितने लोगों को वैसे समझ आ गई है बात की, क्या हुआ है, बाकियों को मैं समझाता हूँ, बाकियों को मैं समझाता हूँ, आप लोग पहले नोट कर लें, दैट इज टैक्स स्वैप सेल, भाई आप जरा मुझे मैसेज करके बताएं उस क्लास में शोर तो नहीं हो रहा, अच्छा सेम और सिमिलर में फर्क पता है, एक में 4 डिजिट आते हैं एक में जो, अच्छा इधर देखें क्या, इधर देखें इधर देखें इधर देखें, जो मैं जलो मैं हाईलाइट करूँ, एक मिनट जरा रुक जाएं, एक मिनट जरा रुक, इधर देखें क्या ये शेयर सेम है, लेकिन सिमिलर हैं, बाटा भी जूते बनाते हैं सर्विस भी जूते बनाते हैं, क्या ये शेयर सेम हैं या सिमिलर हैं, भाई आई रियली अप्रिशिएट, जवाब आया शोर नहीं हो रहा, आई रियली अप्रिशिएट, अल्लाह आप लोगों के भाग लगाए। अच्छा जी नेक्स्ट,
ये जो मैं ग्रीन में हाईलाइट कर रहा हूं, ये शेयर सेम है या सिमिलर है? ना सेम है ना सिमिलर है। सेम का क्या मतलब था? बाटा के बेच के बाटा के खरीदे, ये तो हो गया सेम। बाटा जूते बनाते हैं, सर्विस जूते बनाते हैं, बाटा के बेच के सर्विस के खरीद लिए, ये सेम तो नहीं है, सिमिलर है, मिलते जुलते शेयर में। लेकिन अगर बाटा के बेच के होंडा के खरीदो जो गाड़ियां बनाता है, तो ना ये सेम है क्योंकि बाटा नहीं है, ना ये सिमिलर है क्योंकि क्योंकि जूते नहीं बनाता, ये तो गाड़ियां बनाता है। ठीक है, तो अब बता दें क्या और चीज की भी इजाजत नहीं है? ना सेम शेयर खरीद सकते हैं, ये वॉस सेल थी, ये वॉस सेल थी, ना सेम शेयर खरीद सकते हैं। और स्वैप सेल कहती है कि स्वैप भी नहीं कर सकते। स्वैप का क्या मतलब है? बाटा के देके सर्विस के लेवल की भी जाती है, इसको कहते हैं स्वैप। स्वैप होता है तो बदला करना। तो आप बाटा के देके और थोड़े दिनों बाद किसके खरीदने जाके? सर्विस के। इसकी भी इजाजत नहीं है, इसकी भी ना सेम शेयर खरीदने हैं ना, हाँ डिसिमिलर खरीद सकते हैं, फिर कोई मसला नहीं। चले पढ़े टैक्स स्वैप सेल। इन दिस केस इन्वेस्टर, इन्वेस्टर वही बंदा होता है जो शेयर खरीद रहा हो। इन दिस केस इन्वेस्टर हु रियलाइज द लॉस, लॉस कितना है 13 का, हु रियलाइज द लॉस डज नॉट रीपर्चेज द सेम शेयर। बड़ा तेज है, डज नॉट रीपर्चेज द सेम, नहीं खरीदे बाटा के, नहीं खरीदे दोबारा। उसने किया क्या? इन दिस केस, इस केस में ही चूजेस, चूजे ने चूज किया, ही चूजेस एन अदर सिमिलर सिक्योरिटी इन द सेम सेक्टर। इन द सेम सेक्टर तो सेम है ना, यानी वो सारे जूते बनाते हैं ना, बाटा भी जूते बनाते हैं, सर्विस भी जूते बनाते हैं, हश पपीस भी जूते बनाते हैं, बोंजर भी जूते बनाते हैं, ईसीएस भी जूते बनाते हैं, तो सेक्टर तो सेम रहा है ना। तो इन दिस केस ही चूजेस अनदर सिमिलर शेयर्स इन द सेम सेक्टर। सिमिलर शेयर्स कौन से हैं? सर्विस के, सर्विस के। सेक्टर कौन से? जूते बनाना। इस सारे से उसने करने की कोशिश क्या की है? टैक्स पेयर ने कैसे धोखा दिया? थ्रू दिस ही हैज एलिमिनेटेड द टैक्स लाइबिलिटी। इसने ये 13 का लॉस रिकॉर्ड करके लाइबिलिटी अपनी कम करने की कोशिश की है। थ्रू दिस ही हैज एलिमिनेटेड द लाइबिलिटी एंड हैज ऑल्सो मेंटेन द पोर्टफोलियो। ये कैसे हो सकता है? He has not maintained the portfolio. Now you will watch the shares of service. He has not maintained the portfolio. But the lawmaker is saying he has maintained the portfolio. मैंने कहा आगे से पढ़ लो भाईजान, पूरी गलती कर लेने दिया करो। Listen me completely, please. वो lawmaker कह रहे हैं, और फिर मैं कह रहा हूं, at the same risk or return. Same portfolio नहीं रहा, portfolio का risk and return same रहा है। प्रोफाइल के लिए उसको ब्रैकेट में ले लें, अभी छोड़ें। द सेम रिस्क एंड रिटर्न, रिस्क एंड रिटर्न सेम कैसे है ये मुझे बताएं भाई। ये पर्ची जो आपने मुझे दी थी बिल के साथ लगा हूं जी, मुझे बताएं रिस्क एंड रिटर्न सेम कैसे है? अगर शहबाज शरीफ कह दे कि भाई जान पाकिस्तान का सीए जरा साइड पे करो, इसी सीए को प्रमोट करो, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर सारे सीए के कॉलेज इफेक्ट होंगे या एक? सारे। अगर शहबाज शरीफ कह दे आके रोजाना बस टीवी पे आए एक मिनट के लिए, जूते हो तो चाइना के पर चले जाए, फिर जूते हो तो चाइना के पर चले जाए, और फिर चाइना से जूतों की इंपोर्ट शुरू हो जाए। अब वो बाटा और सर्विस का जूता जो 2000 का मिल रहा था, अगर मार्केट में वैसे ही जूता हमें 600 का मिलने लग जाए, तो क्या बाटा सर्विस इफेक्ट होंगे या सारे जूते बनाने वाले इफेक्ट होंगे? सारे जूते बनाने वाले इफेक्ट होंगे। तो इसका मतलब है अक्सर हुकूमत के ऑर्डर्स या नोटिफिकेशन इतने खतरनाक होते हैं कि किसी एक कंपनी को नहीं बल्कि उस सेक्टर में सारी कंपनीज पे इफेक्ट डालते हैं। कई दफा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सारी की सारी परेशान हो जाती है, आपने देखा होगा अक्सर गाड़ियों वाले इकट्ठे सारे प्राइसेस बढ़ाते हैं, कोई ना कोई हुकूमत का ऐसा इंटरवेंशन होता है वो सबको परेशान कर देता है, सारी पेट्रोल बनाने वाली कंपनीज इकट्ठी प्राइसेस बढ़ाती हैं। तो इसलिए सेक्टर को हमने सामने रखा है, और क्या हमारे ब्रीफ केस में वही शेयर रहे हैं या उससे मिलते जुलते शेयर हैं? उससे मिलते जुलते शेयर हैं। और उन शेयर में क्या खासियत है? कि वो सेक्टर सेम है। और सेक्टर में क्या खासियत है? अक्सर सेम सेक्टर के रिस्क भी सेम होते हैं और रिवॉर्ड्स या रिटर्न्स भी सेम होते हैं। तो हमने सेक्टर चेंज नहीं किया, एक ही सेक्टर के अंदर रहते हुए क्या चेंज किया है? शेयर्स चेंज किए हैं जी। हाँ वो भी जूते बनाते हैं, खरीद लें, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। चलें आगे, पॉइंट नंबर टू, क्रॉस ट्रेड। क्रॉस ट्रेड ये होती है कि ये है ब्रोकरेज हाउस वन, और ये है ब्रोकरेज हाउस टू। भाई जी ना बड़े लेवल पे गेम होने लगी है, आपको पता है आजकल तो एमएनएस भी बिक जाते हैं, तो हम तो अभी छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। बड़े लेवल पे गेम होने लगी है ब्रोकरेज हाउस।
ब्रोकरेज हाउस वन और ब्रोकरेज हाउस टू, ये इसको गेन आया है इस साल 50 मिलियन का और इसको गेन आया है इस साल 40 मिलियन का। आप ये दोनों ब्रोकरेज हाउस वाले आपस में जानने वाले हैं, कजन है, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो अपना सेटअप चला रहे हैं, ये अपना सेटअप चला रहे हैं। अब साल के एंड पे इन्होंने सोचा कि यार इतने गेन्स पे हम टैक्स नहीं दे सकते, अब होगा क्या, ब्रोकरेज हाउस वन वाला वो वाले शेयर्स बेचेगा जिन पे आएगा लॉस और बोरियां की बोरियां भर के जो है ब्रोकरेज हाउस टू के पास जारी होंगी और वो वाले सिर्फ शेयर्स होंगे जिन पे लॉस आना है। और ब्रोकरेज हाउस टू वाला भी बोरियां की बोरियां भर के ब्रोकरेज हाउस वन के पास भेज रहा होगा अपने वो वाले शेयर जिन पे इसे लॉस आना है। और जब ये बोरियां बेच के फारग हो जाएंगे और साल का एंड आएगा तो अगले साल जैसे ही चांद चढ़ेगा अगले साल का, तो दो तीन दिन बाद ये दोबारा अपने शेयर को क्या खरीद लेंगे, वापस खरीद लेंगे। तो ये भी मना है, ये भी मना है, एक महीने के अंदर अंदर शेयर दोबारा नहीं खरीदे जा सकते। तो मे बी बेच के लॉस आया 15 का, मे बी बेच के लॉस आया 12 का, व्हाटएवर द लॉस मे बी। तो क्या इन्होंने ये जो क्रॉस ट्रेड की है, ये स्वैप नहीं है, ये क्रॉस ट्रेड है, इसकी करने की इजाजत है? बिल्कुल नहीं, इसकी भी करने की इजाजत नहीं है। तो छोटे लेवल पे भी गेम नहीं कर सकते, बड़े लेवल पे भी गेम नहीं कर सकते, असल बात यह है कि गेम नहीं कर सकते। सादा सी बात है, एक एक ब्रोकरेज हाउस है क्या कहते हैं शिबाज शरीफ का, दूसरे ब्रोकरेज हाउस है नवाज शरीफ का। अब दोनों को गेन आया हुआ है, दोनों चाह रहे हैं गेन पे हम टैक्स ना दें, तो ऐसे शेयर एक दूसरे को बेच दें जिन पे लॉस आ रहा हो और साल खत्म होने के बाद वही वाले शेयर दोबारा खरीद लें। ये बात, ये भी अलाउड नहीं है, ये भी अलाउड नहीं है। महीने बाद कह रहे कर लो। हाँ और बताओ, जी बताओ, छोड़ो नहीं बोल रहा वो, क्या करूं मैं तो, ये उतार के दे देता हूँ, पहन लो। अच्छा जी चलें आगे पढ़ें, ब्रोकरेज हाउस वन और ब्रोकरेज हाउस टू की स्टोरी खत्म होगी। ब्रोकरेज हाउस वो लोग होते हैं जिनका जो अपने लिए भी शेयर खरीदते बेचते हैं और जो दूसरे लोगों के लिए भी शेयर खरीद बेच सकते हैं, यानी बड़े लेवल पर जो लोग शेयर खरीदते बेचते हैं, इनका कारोबार ये होता है। जा रहे आगे चला जी। चले नोट करें, करके देख लो आप भी, आओ करके देख लो भाई, जूम इन जूम हो, मजा आएगा, कर लो, आ जाओ ना, पीछे मांग रहे हो, चलो अभी देखिए वीडियो जारी रखें। ठीक है, ये तो वैसे छोटी छोटी ख्वाहिशें होती है बंदे के, तो पूरी कर लिया कर रहे हैं, तो और भी देख रहे होते हैं, क्लास के बाद सारे आ जाइएगा, ₹5 टिकट। क्रॉस ट्रेड, क्रॉस ट्रेड, कुछ की ख्वाहिश होती है मरने से पहले ट्रक चलाने, अब वो गाड़ी चलानी आगे ठीक है, चलाने ट्रक वाले कहीं जाए पानी में। अच्छा जी, क्रॉस ट्रेड, क्रॉस ट्रेड वे आर कोऑर्डिनेटेड, भाई जिनसे पहले कोऑर्डिनेशन होती है, आपको पता है बंदे बिकते हुए कोऑर्डिनेशन होती है, तो ये शेयर बिकते हुए तो कोऑर्डिनेशन होनी है। वे आर कोऑर्डिनेटेड, ये कोऑर्डिनेशन हो रही है दो नंबर काम के लिए। वे आर कोऑर्डिनेटेड रीशफलिंग, वे आर कोऑर्डिनेटेड रीशफलिंग ऑफ, रीशफलिंग का मतलब है कि एक बंदा अपने शेयर दूसरे को बेच रहा है और बदले में दूसरा बंदा अपने शेयर पहले को बेच रहा है, शफलिंग, रीशफलिंग। इसमें ना ब्रैकेट वाला पढ़ना है आपने पहले, बिटवीन टू रिलेटेड ब्रोकरेज हाउसेज, रिलेटेड ब्रोकरेज हाउस का क्या मतलब है, दोनों जानने वाले हैं, दोनों जानने वाले हैं, दोनों की नानी एक ही है, बिटवीन टू रिलेटेड ब्रोकरेज हाउसेस, दोनों प्राचे हैं, बिटवीन टू रिलेटेड ब्रोकरेज हाउसेस इज अंडरटेकन, ये काम किया गया है टू आर्टिफिशियली रियलाइज द लॉस, आर्टिफिशियली रिकॉर्ड किया गया, असल में मकसूद नहीं था शेयर्स का बेचना, अगर मकसूद शेयर्स का बेचना होता तो फिर दोबारा खरीदते क्यों, तो इसलिए आर्टिफिशियली लॉस को रिकॉर्ड करने की कोशिश की गई है। एंड हैज ऑल्सो मीन, सॉरी कितने रह गए, विदाउट सेलिंग द सिक्योरिटी टू एन, जब ये बोरियां आ रही थी जा रही थी तो बीच में एक बंदे ने आके कहा एक बोरी मुझे भी, आने का नहीं नहीं नहीं, तुझे अगर बोरी बेच दी तो तू तेरे से वापस खरीदना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई जानने वाला बंदा नहीं है और आप उसे चीज कोई बेच दें और दोबारा खरीदने जाए तो वो कहेगा मेरी चीज मेरी मर्जी, नहीं बेचूंगा तुम्हें क्या, लेकिन इनका जानने वाला होना जरूरी है, यानी बेचते हुए ये नियत थी इनकी कि इन्होंने बाद में दोबारा खरीद लेना। टाइम इसमें भी वन मंथ है, यहां लिखा नहीं हुआ। वे आर कोऑर्डिनेटेड रीशफलिंग बिटवीन टू रिलेटेड ब्रोकरेज हाउसेज इज डन, अंडरटेकिंग का मतलब इज डन, is done to artificially realize the artificial loss, क्यों है कि दोबारा आपने खरीद लेने शेयर्स, without selling the shares to an outsider, outsider को बेचना मकसूद नहीं है, जानने वाले नहीं चाहिए।
अच्छा एक कॉन्सेप्ट था वो अब इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं रहा, वो कई दफ़ा ये होता है कि जावेद मियां दाद ने एक एक अपने नाम से अकाउंट लाहौर में खुलवाया होता है और अपने ही नाम से एक अकाउंट कराची में खुलवाया होता है, और अपने ही अकाउंट, जैसे बैंक अकाउंट दो होते हैं पैसे बंदा ट्रांसफर कर लेते हैं, तो अपने ही अकाउंट से शेयर बेच के दूसरे अकाउंट के अंदर शेयर खरीदवा रहा होता है, लेकिन यह पॉसिबल नहीं रहा क्योंकि सारी स्टॉक एक्सचेंजेस कॉमन हो गई हैं और प्राइसेस में भी कोई डिफरेंस नहीं है, अब एक ही नाम से आपके अकाउंट खुलता है। लेकिन जब कभी ये था कि एक से ज़्यादा अकाउंट लोगों के होते थे तो तब ये कॉन्सेप्ट भी शायद था, बिटवीन टू रिलेटेड अकाउंट्स ऑफ द सेम पर्सन के दो अकाउंट है, यानी एक अकाउंट आपका लाहौर में एक कराची में है, तो एक अकाउंट से शेयर बेच के दूसरे अकाउंट में बाय करवा रहे हैं, इसकी भी इजाजत नहीं है। बैकएंड पे तो यही है ना, तो एक बंदा आपने दो अकाउंट्स में खरीदे बेचे ये भी मना है, और दो जानने वाले बंदे खरीदे बेचे तो भी मना है। और ये थर्ड पार्टी को क्यों नहीं बेच रहे वैसे, क्योंकि थर्ड पार्टी को अगर बेच दिया तो होते फिर खरीदना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, फिर तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं शुरू नहीं करते दोस्तों उस प्रोजेक्ट को, जिस तरह आप कह रहे हैं प्रॉपर्टी का अपन मेडिकल कर लेते हैं। आ जाए अच्छा जी, एक और प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर 6 निकालें, पेज नंबर 8। एबीसी एसोसिएट्स ऑन द बिल्डिंग, अच्छा आपको भी इस तरह कहते हैं ना कि टेस्ट में चैप्टर 4 खाली कर लें, इनकम प्रॉपर्टी का चैप्टर ना डालें, या बस हमें पढ़ाना बंद कर दें, या हमें होमवर्क ना दें, तो मैं इसी तरह महसूस कराता हूँ जैसे छोटा सा बच्चा स्कूल जा रहा है कह रहे हैं नहीं जाना मैंने, या जो है डॉक्टर के पास बच्चे को लेके जा रहे हैं उसके दांत का मसला है उसे टीका लगा रहे हैं नहीं लगवाना मैंने, तो बिल्कुल मेरी इस तरह की फीलिंग हो रही होती है कि आप लोगों को पता ही नहीं कि आप लोग अपने साथ करके रहे हैं बस करके, तो बच्चे को तो नहीं पता ना। अच्छा ये ना कैपिटल गेन का एक सवाल पर नजर मार लीजिएगा, घर में कोई टाइम मिलता है घर में थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए, हमीदा बाजी हैं पेज नंबर 7 कैपिटल गेन का चैप्टर, तो लेवल है मीरा बाजी का, एक डीएचए कराची में प्लॉट है, पेंटिंग है, ज्वेलरी है, उन्होंने बेच बेच के लूट मचा दी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 7 है कैपिटल गेन, ये इधर कर लीजिएगा घर में, ये होमवर्क, अच्छा वर्क ठीक है, चलें जी इनकम प्रॉपर्टी के चैप्टर में आ जाए जिथे दी। कैपिटल गेन का क्वेश्चन 4 होमवर्क में दिए और प्रॉपर्टी का क्वेश्चन नंबर 6 में अभी आपको करवाने लगा हूं। मोहतरम अगर कभी पेपर में आपको लिखा हुआ आ जाए कि पेपर ना दें, अच्छा सॉरी पेपर में लिखा हुआ आ जाए कि 20X8 है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, मिसाल के तौर पे 2008, 2018 भी कर सकते हैं, 28 भी कर सकते हैं, सब टू यू, 2000X9 जी, 2009 भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम रोमन नहीं सीख रहे, ये बिल्कुल वो गलत कॉन्सेप्ट है जो आपने अभी किसी से, 2007 ठीक है जी, डन जी। अब इधर क्या आएगा, अच्छा मौसम असल में ना ये जो x है इसने रिप्लेस किया 0 को, 2x पे हमारे बंदा, अच्छा ये ना 20Y0 बनता है फिर, क्योंकि असल में अब 01 हो गया, अच्छा मेरी तरफ क्या देख रहे हैं, ये देखना 01 हो गया है तो एक्स वाई हो जाएगा, अब सादा सा कॉन्सेप्ट है उसकी भी दही बनाने लग जाते हैं क्या है इसमें कुछ भी नहीं है, 01 हो गया ना, तो पहले 0 के लिए क्या यूज करे थे एक्स, तो अब इसमें एक डिजिट एड हो गया तो इसमें भी एक ऐड कर दें, आप नोट कर लें, ये कॉन्सेप्ट देना था 20Y0, और ये कॉन्सेप्ट आई कैप टेस्ट कर रहे हैं आजकल काफी ज्यादा कर रहे हैं, वो एकदम करते करते एक्स और वाई में चीज बदल जाती है, अब बंदा उधर ही परेशान होता है, क्या चीज दे देना चाहिए उसको, दे देना चाहिए उसको, हाँ जी हाँ। अब इस साल को यानी कि आई कैप ऐसा सवाल दे सकता है, मिसाल के तौर पे ऑथर है उसकी इस साल की इनकम आई है 20Y0 की, तो वो आपने इस साल मैंने इसकी किस्म कितने डालनी होती थी, पिछले 3 सालों में डालनी होती थी, हमारे साल को डाल के मेरे ख्याल से, तो ऑथर की इनकम आप कैसे टैक्स लगाएंगे, अगर हमारे साल आई है, अगर हमारे साल आई है तो 2020Y0 में डालेंगे, 20X9 में डालेंगे और 20X8 में डालेंगे, तो पता होना चाहिए। अच्छा अब जरा मुझे आगे चलने दें, अब जब 2011 आएगा तो 1 तो उधर ही रहा, 1 तो उधर ही रहा, अब आप इसको क्या लिखेंगे 20Y, असल में ना ये सेकंड लास्ट डिजिट चेंज होता है सिर्फ, ये बात याद रखिएगा, जहां भी ये चेंज होता है ना सेकंड लास्ट वाला डिजिट चेंज होता है, आखिरी को नहीं चेंज करना होता, आखिरी उसी तरह रहता है। अब चलते 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 ये 2012 आएगा,
और ये 2y2 आएगा। लेकिन चलते 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 अगर जिंदगी के किसी मोड़ पर जिंदगी ने साथ दिया हमारा और 2020 आ गया तो 20z0। आई रियली अप्रिशिएट यू पीपल। ये 2 है, ये z है। अब आप ये ना कहिएगा 2030 क्या है, फिर वो यहां से w से शुरू करेगा पेपर में। अगर ऐसा हो गया तो w से भी तो शुरू कर सकता है, w x y z। आई कैप में ऐसी खच क्यों मारनी है, दैट हैज ऑलरेडी बीन मार्ड इन पास्ट। ओके, इसी तस्वीर खींचने अकेले में बैठ के इसको देखा करें। सीरियसली ऐसे ही पक्का होगा, खींच लिया, अपनी तरफ नहीं कैमरा करना, इस तरफ कैमरा करना है। ओके, यार छा गया तू। एबीसी एसोसिएट्स ऑन द बिल्डिंग विच इज ऑन रेंट, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। भाईजान अगर आप ये बता देंगे ना तो आई विल रियली अप्रिशिएट यूर सेल्फ। मुझे बताएं, नहीं ये एडजस्टेबल वाली अमाउंट नहीं है, ये कोई नॉन एडजस्टेबल, उसने साथ नहीं लिखा हुआ नॉन एडजस्टेबल टाइप चीज है या कुछ। हाँ एडजस्टेबल शायद आप कह दो, कह सकते हो। बता दें हमारे साल की इनकम कितनी है, हमारे साल की इनकम कितनी है, 23 लाख है या कुछ और है? कुछ और बताएं ना कितनी है, कुछ और तो मैं भी बता सकता हूँ। हमारे साल की इनकम कितनी है, हमारे साल की इनकम 19 लाख। कौन बोला है? I really appreciate you. 19 लाख, well done. हमारे साल की इनकम 19 लाख है। अब ये सोचें जरा, इन लोगों ने क्यों सोचा है? अच्छा अब जरा देखिएगा, एबीसी एसोसिएट यूज अक्रूअल अकाउंटिंग। अक्रूअल अकाउंटिंग ये होती है कि यानी जितने महीने घर किराए पर रहा उतनी इनकम रिकॉर्ड करनी है आपने, यानी पैसे आने को नहीं देखा जाएगा, जितने महीने घर किराए पर रहा, अगर 12 महीने किराए पर रहा तो 12 महीने की इनकम रिकॉर्ड करनी है। इट्स इनकम ईयर इज जुलाई टू जून 2008, जुलाई में शुरू होगा और जून में खत्म होगा, और साल है हमारा 2008। समझ निकली? अगर आप 2008 लिख लें तो कोई मसला नहीं इसमें। वैसे अगला साल कब एंड होगा? जून में ही। लेकिन ये साल कौन सा होगा? 2009। इसको 2009 भी आप लिख लें तो कोई मसला नहीं समझने के लिए। फिर अगला साल एंड होगा जून में, तो इसको आप 2010 लिख लें। लेकिन वो जो मैंने आपको बात सिखाई, अब इसको 20y0 लिखा जाएगा, 20y0 लिखा जाएगा। अच्छा कहते हैं मुझे रेंट ना रिसीव हुआ है 23 लाख, मुझे रेंट रिसीव हुआ है 23 लाख। ये रिसीव हुआ है मुझे 23 लाख, रेंट रिसीव्ड यानी 23 लाख। 23 लाख में कोई मसला आने लगा, 23 लाख इंक्लूड रेंट रिसीव्ड का मतलब है 23 लाख, 23 लाख इंक्लूड 6 लाख, 23 लाख इंक्लूड 23 लाख में 6 लाख पड़ा है, जो कि 3 सालों के, जो कि कितने सालों के? 3 सालों के। इसका मतलब है हर साल का 2-2 लाख है शायद, और कोई बेसिस तो है नहीं, बराबर ही हम तकसीम कर सकते हैं। 23 लाख में 6 लाख पड़े, 6 लाख कितने सालों के? 3 सालों का, उसमें से 2-2 लाख हर साल के, और वो जो 3 साल है उसमें हमारा साल शामिल है, उन 3 सालों में हमारा साल। अगर मैं 6 लाख की फिलहाल सिर्फ बात करूं फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, तो 6 लाख में से 2 लाख हमारे साल के, फिर 2 लाख अगले साल के, और फिर 2 लाख अगले साल के। अब इसके करने के 2 तरीके हो सकते हैं, दोनों तरीके मैं बता रहा हूं, जिसको जहां से समझ आ जाए इट्स अप टू हिम। एक तरीका यह है कि मुझे मेरे साल की इनकम चाहिए, तो सिंपली 23 लाख में से अगले सालों वाला 4 लाख माइनस कर दें, 23 लाख माइनस 4 लाख इज इक्वल टू 19 लाख। ये सिंपल तरीका। दूसरा तरीका, 23 लाख में से माइनस कर दें 6 लाख जो सवाल ने दिया हुआ है, 23 लाख में से पूरा 6 लाख माइनस कर दें। बाद में आपको एहसास होगा कि ओहो मैंने तो पूरा 6 लाख माइनस कर दिया, इसमें हमारे साल वाला भी सवाल कह रहे कुछ था। अब आप 2 लाख को क्या कर दें, दोबारा ऐड कर दें। तो दोनों तरीके से जरा कैलकुलेटर करके देखें, 23 लाख माइनस 4, 23 में से ये वाला 4 माइनस कर दें, ये वाला 4 19। ऑप्शन नंबर 2,
23 में से ये वाला 4 माइनस ना करें, 23 में से पूरा 6 निकाल दें। अब जो जवाब आया, अब सोचें क्या ये 23 लाख के 6 लाख के साथ इसने ये लिखा हुआ है कि ये अगले 6 सालों, अगले 3 सालों के, ये हमारा साल डाल के 3 सालों के। इसका मतलब है आपने 23 लाख से अगर 6 लाख माइनस कर दिया है तो 2 लाख को दोबारा ऐड कर दें, तो 23 लाख माइनस 6 लाख जमा 2 लाख 19 लाख। इट्स अप टू यू, अब जैसे मर्जी निकालें। आखिरी दफा मैं फिक्रा पढ़ देता हूं, बाकी इस एडजस्टमेंट, बाकी एडजस्टमेंट चला कल करेंगे। आखिरी दफा मैं फिक्रा पढ़ देता हूं, 23 लाख इंक्लूड 6 लाख। अब हम थोड़े परेशान हो गए, हमने कहा पता नहीं इसमें क्या है, 6 लाख क्या है, क्या है, किसी और हेड का खर्चा है, क्या है होस्ट, कई दफा प्रॉपर्टी में 10 होस्ट भी पड़ी होती थी ना, तो हमने कहा शायद 6 लाख सारा ही निकालना है, तो हमने फोरन का इंक्लूड है तो जरा बाहर निकाल दो, 23 लाख माइनस 6 लाख, हम 17 लाख पे आगे खड़े हो गए। कहते ये 6 लाख जो है ना किसी और हेड का नहीं है, ये प्रॉपर्टी के हेड का ही है, लेकिन ये 3 सालों के पैसे कोई 6 लाख उसने आपको एडवांस पकड़ा दिए हैं, इसमें कहते हैं हमारे साल का भी कुछ शामिल है, तो हमारे साल का फिर कितना शामिल होगा, तो 23 लाख में से अगर 6 लाख निकालें और 2 लाख डालें तो जवाब कहां आ गया, 19 लाख। इसको कल रिवाइज करेंगे। एक मिनट भाई, डेप्रिसिएशन इस चैप्टर में माइनस करने की इजाजत है सेक्शन 15 ए में? नहीं नहीं, तो ये कोई खर्चा नहीं होगा, नॉट इन सेक्शन 15 ए, बल्कि डेप्रिसिएशन तो शायद माइनस नहीं होती, रिपेयर अलाउंस टाइप कोई चीज है, अगर आपको लग रहा है कि आपका घर डेप्रिसिएट हो रहा है, उसकी वैल्यू लूज कर रही है, तो आप रिपेयर अलाउंस माइनस कर ले, बस 1/5, वो भी एक अच्छी खासी अमाउंट है। अगर आपका करोड़ रेंट है तो 20 लाख रिपेयर अलाउंस ही माइनस हो जाता है, इतना बड़ा बेनिफिट है, तो इसलिए डेप्रिसिएशन को आप लोग नहीं सुन नहीं रहे, कल डिस्कस करते हैं। ओके, कल सारी डिस्कशन कल करते हैं दोबारा, इस पर कोई सवाल ना पूछे मेरे से, कल करेंगे इसको, टाइम टू टाइम आ जाइएगा।